ओके हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज से रिलेटेड मैंने आपको दो वीडियोस प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले इनको देखना, ठीक है। चैनल पे दोनों वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल हैं। अब है हमारा कैलकुलेट परसेंटेज। हमने सेकंड वीडियो में भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हमने नंबरिंग की थी सॉरी फर्स्ट वीडियो में मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की थी, तो दैट वॉज द स्टोरी सम। अब अगर हमारे पास ऐसे सिंपल क्वेश्चन है तो उनमें से हम परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे विदाउट स्टोरी सम, तो इट इज वेरी इजी। तो लेट्स सी क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में क्या है, 20% ऑफ 30। 30 की नंबरिंग का मुझे 20% निकालना है। तो मैंने बताया था जब परसेंटेज दे रखी हो तो हमने क्या करना है, परसेंटेज के अपॉन में क्या कर देना है, 100 कर देना है। सेकंड वीडियो में ये था, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज किसमें से कैलकुलेट की जाती है, आउट ऑफ 100। सो मल्टीप्लाई बाय 30। जीरो से मैंने जीरो कट कर दी, जीरो से मैंने जीरो कट कर दी। सो 2 3 जा आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 6। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15% ऑफ 50। तो 15% ऑफ 50 क्या होगा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 50। जीरो से जीरो कट गई। अब देखो ध्यान से, ये क्या है 10, तो 5 से ये कटेगा, ठीक है। 5 1 5 एंड 5 2 10। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15/2। फिफ्थ क्लास में हम डेसिमल सिस्टम कर लेते हैं। अगर आपने डेसिमल सिस्टम नहीं किया हुआ तो आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो ऑफ द डेसिमल सिस्टम हाउ वी विल काउंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हम 15 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15/2, सो 2 7 14, रिमाइंडर क्या बचा, 1। डेसिमल लगाया, यहां हमने जीरो लगाई, जीरो कैरी डाउन की, सो 2 5 10। तो कितना आएगा हमारे नंबरिंग में, 7.5। क्वेश्चन नंबर 3, 8% ऑफ 25। 8% ऑफ 25 क्या होगा जी आपका सॉल्यूशन, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 का टेबल आता है नहीं आता, तो याद जरूर करना, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, छोटे टेबल से कट कर देते हैं जो आपको इजी रहो। अब आपको पता है 5 से कौन से टेबल डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका यूनिट नंबर क्या होता है 5 और यूनिट नंबर क्या होता है 0। तो हम इसको 5 से डिडक्ट कट कर सकते हैं। सो 5 5 25, तो जो आंसर है क्वेश्चन है वो ऊपर लिखा जाता, 5 5 25। अब यहां आएंगे 5 से, 5 2 10 और 0 कैरी हो जाएगी, तो 20। अगर आपको नहीं जीती तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 25 100। ये याद रखना कि एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे और ऊपर कट होता है, टेबल डिफरेंट नहीं होंगे। अब ये आ गया 8 और 25, इससे भी कट हो जाता है वैसे, 5 1 5 क्योंकि 5 के टेबल में क्या आता है 20, 5 4 20, यहां तो 1 आ गया, सोल्व हो गया। अब आ गया 8 और 4 की टर्म, तो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 8, सो 4 1 4 4 2 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2। क्वेश्चन नंबर 4, 16% आउट ऑफ 200। तो 16% आउट ऑफ 200, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 200। वेरी सिंपल, यहां भी 2 0 है, 2 0 है, काट दो। 16 का टेबल आना चाहिए फिफ्थ क्लास में, 16 2 32। तो हमारे आंसर क्या आते हैं पहले क्वेश्चन का, 20% ऑफ 30 क्या आएगा, 6। 15% ऑफ 50 क्या होगा, 7.5। 8% ऑफ 25 क्या होगा, 2। 16% ऑफ 200 क्या होगा, 32।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरी।